आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वी प्रोग्राम सैक पॉलिटिकल साइंस जिसकी यूनिट वन है लोकमत। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट के हमारे हम पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जनमत या लोकमत दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और मत यानी जनता के मत की अभिव्यक्ति, यानी जनमत का मतलब है जनता की राय या जनता के विचार। जनमत में ही वह शक्ति है जो किसी बात को उचित या अनुचित ठहरा सकती है, यानी जनता के पास ही वही शक्ति है जो किसी भी बात को सही भी ठहरा सकती है और गलत भी। जनमत के पास ही सरकारों को बनाने और बदलने की शक्ति होती है, यानी जनता के पास ही शक्ति होती है कि वह सरकारों को बना सकती है और बदल भी सकती है चुनावों के द्वारा। राजनीतिक दल लोकमत या जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सभाएं करती हैं, प्रचार करती हैं कि हमें वोट दीजिए। वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनमत उनके पक्ष में, जिससे उनकी सरकार बन सके। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जनमत क्या है। हर मनुष्य का स्वभाव अलग अलग होता है और विचार भी अलग अलग होते हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इसका विचार जनमत है। जाहिर सी बात है, सभी लोगों के विचार अलग होंगे। अगर आप किसी भी विषय पर लोगों की राय जानेंगे तो सभी लोग अलग अलग राय देंगे, इसी तरह सभी के विचार भी अलग अलग होते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि किसका विचार जनमत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बहुमत को ही जनमत कहा जाना चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि किसी भी विषय के ऊपर अगर अधिक मत पड़े उस विषय के संदर्भ में तो उसे ही जनमत कहा जाना चाहिए, यानी बहुमत प्राप्त होने पर ही उसे जनमत कहा जाता है। जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि अगर बहुमत को ही जनमत मान लिया जाए तो कम संख्या वाले लोग जनमत का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, इसलिए बहुमत को जनमत नहीं माना जा सकता। कुछ विद्वान कहते हैं कि अगर बहुमत को ही जनमत मान लिया जाए तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो उनका मत नहीं माना जाएगा, इसलिए उसे हम जनमत नहीं कहेंगे। जनमत का अर्थ है ऐसा मत जिसके फलस्वरूप संपूर्ण जनता का कल्याण हो और साधारण लोग इस मत से सहमत हो। यानी जनमत का मत है कि पूरे समाज का कल्याण हो, जनता की भलाई हो, उसे ही जनमत कहा जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं जनमत की परिभाषाओं के बारे में। बेनी प्रसाद के अनुसार कोई मत उस समय ही लोकमत बनता है जिस समय वह समस्त समाज के कल्याण का संचालक हो। यानी बेनी प्रसाद कहते हैं कि कोई भी मत उस समय लोकमत बनता है जब वह पूरे समाज का कल्याण करता हो, यानी पूरे समाज की भलाई हो। डूब के अनुसार लोकमत का अर्थ है एक सामाजिक समूह के रूप में जनता का किसी प्रश्न या समस्या के प्रति विचार। डूब कहते हैं कि जनता का किसी भी प्रश्न या किसी समस्या के ऊपर जनता के विचार या जनता की राय ही जनमत है। लोवेल कहते हैं किसी मत को लोकमत बनने के लिए बहुमत ही पर्याप्त नहीं, ना ही सर्वसम्मति की आवश्यकता, बल्कि बहुमत ऐसा होना चाहिए कि अल्पसंख्यक उसके पक्ष में ना होते हुए भी उस पर प्रसन्न होकर उसे माने। यानी लोवेल कहते हैं कि जनमत होने के लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं है, यानी ज्यादा लोग उस पर सहमत हो ये जरूरी नहीं है। और आगे कहते हैं ना ही इस पर सर्वसम्मति की आवश्यकता है, यानी लोवेल कहते हैं कि सभी लोग भी इस पर राजी हो जाए तो भी वो जनमत नहीं है, क्योंकि कई बार अल्पसंख्यकों को डरा धमका कर सबको राजी कर लिया जाता है कि हमारी बात मानो या इस पक्ष में वोट डालो। ठीक है, तो उसे भी जनमत नहीं कहा जा सकता। हम आगे चलते हैं। इन परिभाषाओं में जनसाधारण या सार्वजनिक हित के उद्देश्य रखने वाले विचारों को जनमत कहा गया। यानी इन विद्वानों ने कहा है कि जिस जनमत में जनता का कल्याण हो, जनता की भलाई हो, वही जनमत है। सार्वजनिक हित से बहुमत या सर्वसम्मति से नहीं है, यानी सार्वजनिक हित का मतलब बहुमत या सभी का राजी नहीं होना है, क्योंकि बहुमत कई बार सार्वजनिक हित के विरुद्ध होता है और सर्वसम्मति का अभिप्राय भी जनमत नहीं, क्योंकि कमजोर पक्ष के लोग डर के कारण भी शक्तिशाली से सहमत हो सकते हैं। सही बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि लोगों को डरा धमका कर राजी कर लिया जाता है कि इसके पक्ष में वोट डालो, हमारा साथ दो सर्वसम्मति लेने के लिए, इसलिए सर्वसम्मति और बहुमत भी जनमत नहीं कहा जा सकता। हम बात करेंगे जनमत की मुख्य विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है सामान्य सहमति, दूसरी जनसाधारण का मत,
तीसरी है अधिक लोगों का कल्याण, चौथी नैतिकता, पांचवी लोकतंत्र में बढ़ावा। अब हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है सामान्य सहमति। जनमत में सामान्य सहमति होनी चाहिए। सामान्य सहमति से अभिप्राय है कि सार्वजनिक विषय पर यदि सब लोग सहमत ना भी हों तो अधिक से अधिक लोग उस पर सहमत होना आवश्यक है। यानी सामान्य सहमति का मतलब है कि अगर सभी लोग सहमत ना हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग हों तो भी वे जनमत की विशेषता है, ठीक है। दूसरी विशेषता है जनसाधारण का मत। जनमत जनसाधारण का मत होता है, ये किसी वर्ग विशेष या कुछ लोगों का मत नहीं। यानी जनमत जो है जनसाधारण का मत होता है, आम लोगों का मत होता है। इसमें अमीर वर्ग के लोग नहीं होते या किसी खास वर्ग से लोग नहीं होते। अधिक लोगों का कल्याण। जनमत लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है और इसका उद्देश्य सारी जनता की भलाई करना होता है। यानी जनमत जो है लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। जनमत चाहता है कि लोगों का कल्याण हो, लोगों की भलाई हो, ठीक है। चौथी विशेषता है नैतिकता। जनमत नैतिकता पर आधारित होता है। यदि जनमत का आधार अनैतिक है तो वह जनमत नहीं हो सकता। यानी जनमत में जो है अच्छे बुरे की समझ होती है कि क्या सही है क्या गलत है, और जनमत नैतिकता पर आधारित होता है। अगर किसी जनमत में नैतिकता नहीं है तो वह जनमत नहीं कहला सकता। लोकतंत्र में बढ़ावा। लोकतंत्र में जनमत को अधिक महत्व दिया जाता है। लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है और प्रत्येक कार्य करने के लिए लोगों की इच्छा को जानना आवश्यक होता है। लोगों की इच्छाओं को जनमत के द्वारा प्रकट किया जाता है। यानी जनमत की चौथी विशेषता है लोकतंत्र को बढ़ावा देना। यानी जनमत को लोकतंत्र में ही बढ़ावा दिया जाता है। सरकार लोगों की राय जानने के लिए लोगों से राय लेती है कि क्या कार्य करना चाहिए, कौन सा कानून बनाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनमत और लोकतंत्र। एक लोकतांत्रिक सरकार का आधार जनमत है। लोकतंत्र में जनमत का विशेष महत्व है, इसलिए अब्राहम लिंकन ने इसे जनता का, जनता द्वारा और जनता का शासन कहा। लोकतंत्र में जनमत का काफी महत्व है। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि ये जनता का, जनता द्वारा और जनता का ही शासन है। लोकतंत्र में प्रभु सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्री सरकार अपनी सत्ता जनता से ही प्राप्त करती है और जनता के समर्थन से सरकार बनाती है। यानी सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के हाथ में ही सत्ता देनी होती है कि किस पार्टी की सरकार बनानी है, किस पार्टी की सरकार नहीं बनानी। लोकतंत्र में सरकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो जनमत के विरोध हो, और ना ही ऐसा कोई कानून बना सकती जिसके पक्ष में जनमत हो। यानी सरकार जो है लोकतंत्र में जनता के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बना सकती। अगर कानून बनाएगी तो जनता उसका विरोध करोगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन हुआ था कि किसानों को वो कानून पसंद नहीं था तो उन्होंने विरोध करा, जिससे जनता को वापस लेना, सरकार को वापस लेना पड़ा। लोकतंत्र में कोई भी दल तब तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक जनमत उसके पक्ष में है। यानी जब तक जनता सरकार के साथ है, जब तक उसकी सरकार चलेगी। अगर सरकार के पक्ष में जनमत नहीं है तो उसकी सरकार नहीं चल सकेगी। लोकतंत्र में जनमत का उल्लंघन करने वाली सरकार अधिक समय तक टिक नहीं सकती। अगर सरकार जनता के लिए काम नहीं करती या जनता के भले के लिए काम नहीं करती तो जनता उसे अगली बार नहीं चुनेगी, जिससे ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। जहाँ जनमत जागरूक होता है वहाँ सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती और उसे जनमत को ध्यान में रखते हुए शासन करना पड़ता है। यानी जनमत जहाँ का जागरूक होगा वहाँ की सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। लोग अपने राइट पता नहीं होंगे, अपने अधिकार पता नहीं होंगे, क्या करना है, ये सरकार हमारे लिए अच्छे के लिए कर रही है बुरे के लिए कर रही है, ठीक है। हम बात करते हैं लोकतंत्र में जनमत का महत्व। फर्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक सरकार का आधार। यानी लोकतांत्रिक सरकार का आधार जनमत होता है, क्योंकि जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है और सरकार जनता के लिए काम करती है। बिना जनमत के सरकार लोकतांत्रिक शासन में नहीं चुनी जा सकती, ठीक है। पहला महत्व ये हो गया लोकतंत्र में जनमत का। सरकार का मार्गदर्शक। जनमत सरकार का मार्गदर्शक होता है। जनमत सरकार को बताता है कि क्या कार्य करना है, कौन से कानून बनाने हैं, ठीक है। जनप्रतिनिधियों की निरंकुशता पर नियंत्रण। जनमत जो है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं जैसे हमारे विधायक हो गए, MLAs हो गए, उन पर नियंत्रण रखता है कि आपको पता होगा कि विधायक जो है कि दबंग टाइप में होते हैं, कुछ जनता के ऊपर अपनी मनमानी करते हैं, तो जनमत जो है इन पर नियंत्रण भी रखता है। अगर वो जनता के विरोध में कार्य करते हैं
तो अगली बार जनता उन्हें नहीं चुनेगी। ठीक है, सरकार को प्रोत्साहित करता है, जनमत जो है सरकार को प्रोत्साहित करता है। अगर सरकार कोई अच्छा कार्य करती है तो जनमत सरकार को प्रोत्साहित करता है। जैसे इंदिरा गांधी ने गरीबी पर्स समाप्त किया था रजवाड़ों का, तो जनता ने प्रोत्साहन किया सरकार का। फिफ्थ पॉइंट, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, यानी जनमत जो है नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। अगर सरकार जनता के विरुद्ध कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे उनके अधिकार खतरे में आते हैं, तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं या न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार जनमत जो है सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, सरकार को मजबूत बनाता है। जनमत जो है सरकार को मजबूत बनाता है। वो कैसे? अगर जनता सरकार के पक्ष में है तो सरकार मजबूती से अपनी नीतियों को लागू करेगी। अगर जनमत उसके पक्ष में नहीं है तो अपना कार्य ठीक से नहीं कर सकेगी। अगर सारी जनता उनके पक्ष में है तो सरकार अपना कार्य ढंग से कर सकेगी। तो यही हमारा ये टॉपिक एंड होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब